अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। जीव एक इंद्रिय से बेइंद्रिय, फिर इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। पहली बार जब मनुष्य भाव में आता है, वो उसका जो फर्स्ट बर्थ होता है, उसका जो पूरा जीवन होता है पहले बर्थ का, वो किस आधार से होता है? क्योंकि उसने चार्ज तो कुछ किया ही नहीं, तो उसका डिस्चार्ज कैसे होगा, वो पूरा लाइफ कैसे होगा? चार्ज किया है ऐसा नहीं है, चार्ज करते भी है। इसको कहते हैं स्वाभाविक कर्म। क्या बोलते हैं? मनुष्य में आने के बाद विभाविक कर्म होते। ये सब मैंने बताया है, सब रिपीट कर देता हूँ। क्या मैंने कहा ना, इसलिए सबको सुनना पड़ता है। स्वाभाविक कर्म का मतलब होता है उसमें आपको पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता नहीं है। आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार से ही आपको क्रेडिट मिलती है। जैसे मैं गुलाब का छोड़ हूँ एक इंद्रिय, तो कोई मेरे को गुलाब के छोड़ को तोड़ेंगे तो उनकी क्रेडिट मेरे को मिलेगी। क्या मिलेगी? क्रेडिट आपको मिलेगी। हाँ, तो गुलाब का छोड़ का अपग्रेड होगा। क्या होगा? मगर वो गुलाब का छोड़ भाव नहीं कर सकते हैं। भाव नहीं कर सकता, मगर भुगतान करने वाला इंसान है, उनके पास क्रेडिट है, तो क्रेडिट ट्रांसफर होती है। क्या होती है? मैं एनिमल का यूज करूँगा तो क्रेडिट मिलेगी, तो उनका क्या होगा? अपग्रेड। उसके पास बुद्धि नहीं है, मगर उनके मन वचन काया का यूज करते हैं क्रेडिट वाला व्यक्ति, तो क्रेडिट उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो इससे क्या होता है? इसका अपग्रेड। तो वो स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक का मतलब होता है उनके प्राकृतिक स्वभाव से ही कर्म बनते हैं। भुगतान करने वाला है तब, मगर वो खुद भाव करके पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वो कब कर सकते हैं? मनुष्य में आने के बाद। तो स्वाभाविक कर्म और विभाविक कर्म। मनुष्य में आने के बाद विभाविक कर्म होते हैं अज्ञानता के बस, समझ में आया? उसके पहले स्वाभाविक कर्म होते हैं। ये तो आपने अपग्रेड का बताया, ये अगले की क्रेडिट मिलती है ये बताया, पूरी लाइफ कैसे? वो वही पूरी लाइफ वही होती है ना, वही क्रेडिट उसकी, उसी क्रेडिट से चलती है बस। फर्स्ट लाइफ तो यही रहेगी ना। हाँ, फर्स्ट लाइफ यही रहेगी, उसके बाद सब प्लस माइनस होगा बुद्धि के आधार। प्लस माइनस होगा बराबर, बुद्धि के बाद फिर भाव नए चार्ज हो गए। हर व्यक्ति जब कोई भी फील्ड में फ्रेश होती है तो वो सहज होती है। सहज होती है जब, फिर बाद में जब अवस्थाओं को भुगतान करने के बाद थोड़े वो मैच्योर होते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। इसको बोलते हैं अनुभव। क्या बोलते हैं? तो मैच्योरिटी बाद में आती है ना, तो फर्स्ट बर्थ में मैच्योरिटी नहीं है। तो फर्स्ट बर्थ का आयुष्य कर्म भी होता है? फर्स्ट बर्थ होगी तो आयुष्य तो होगा ही, वो तो होगा ही। वो कैसे बंधन होगा उसका? उसका बंधन कैसे होगा? सब मैंने कहा ना, वो क्रेडिट से ही होता है, हर बर्थ में होता है ना। एक जैसे पंचदिन में भी आयुष्य तो होता है, आयुष्य होता है तो उसमें भी आएगा, उसमें भी भुगतान होती है, इसमें भी भुगतान होगा, सब कुछ होगा। मगर फर्स्ट टाइम आया तो उसके पास डेवलपमेंट नहीं है। क्या नहीं है? डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट यहां से शुरू होगा। इंद्रिय ज्ञान का डेवलपमेंट है, बौद्धिक ज्ञान का डेवलपमेंट नहीं है, तो वो यहां से शुरू होगा। फिर बाद में डेवलपमेंट बौद्धिक ज्ञान का होगा, फिर आध्यात्म ज्ञान का होगा डेवलपमेंट मिलने के बाद। तो ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस को जानना है अपने को। और इसीलिए कहा ना कि विज्ञान के अंदर, स्पिरिचुअल साइंस के अंदर हर प्रश्नों का साइंटिफिक सॉल्यूशन है, थियोरिटिकल नहीं, साइंटिफिक। मगर हाँ, कई बातें ऐसी हैं जो आज हमको साइंस के रूप में मालूम नहीं होता है, सिद्धांत के रूप में मालूम होगा, मगर जैसा आपका विजन डेवलप होगा तो वो बात आपको साइंटिफिक लगेगी। अभी सैद्धांतिक लगती है, जिसे आपको बौद्धिक समझ मिलती है या तो तार्किक या लॉजिक मिलता है। क्या मिलता है? एक्सेप्ट करने के लिए, रियलाइज होने में समय लगता है। क्या लगता है? दैट्स इट। मगर लॉजिकली आंसर मिले, वही तो बड़ी बात है ना। आज लोगों को उत्तर नहीं मिलता है, वही तो पजल है, वही तो पजल है।
लॉजिकली भी आंसर तो मिलना चाहिए ना, लॉजिकली मतलब हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करे ऐसा जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। आए ना समझ में? नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे। मैंने कहा ना कि विज्ञान हर रोज एक घंटा सुनते रहो, कहीं सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। हर प्रश्नों का समाधान मैंने दिया ही है, कोई नया प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, मगर ये सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे चुका हूं। आप समझे ना? फिर भी कोई नया प्रश्न आता है तो मेरे को इंटरेस्ट रहता है, ताकि साइंस भी निकले ना उस माध्यम से, क्योंकि मेरे को प्रश्न नया है तो मेरे को सोचने की जरूरत कि नहीं है कि मैं किताब पढ़ के आपको कल बताऊंगा, ये बात नहीं है। भले फर्स्ट टाइम प्रश्न करोगे तो भी उत्तर मिलेगा आपको, क्योंकि विजन में उत्तर है। किसमें है? नॉलेज में नहीं है। नॉलेज का मतलब किताबों का ज्ञान या तो सुना हुआ ज्ञान, विजन का मतलब अनुभव का ज्ञान, वो 24 आवर्स होता है। स्वामी जी, मेरे को भी समझ में नहीं आई है, निगोद से जब जीव व्यवहार आश्रम आता है उस समय तो उसको कोई भी कर्म न चार्ज न डिस्चार्ज कुछ भी नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस क्यों, वही से सीधा मोक्ष क्यों नहीं? कहाँ से? निगोद से। निगोद से व्यवहार आश्रम आए उस समय आत्मा का कोई चार्ज कोई डिस्चार्ज कोई कर्म उसका है ही नहीं, तो वहीं से सीधा मोक्ष क्यों नहीं हो जाता, ये पूरा प्रोसेस क्यों? वही तो बात है, जब बच्चे राग द्वेष नहीं करता है तो उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? बोलिए ना, उत्तर आपको देना है। वो तो लेके आया पिछले जन्मों से, लेकिन निगोद से जब आया तो कुछ नहीं, मगर राग द्वेष तो नहीं करता है। राग द्वेष नहीं करता, लेकिन वो भुगतान बचा तो राग द्वेष नहीं करता है, वही तो वितरागता है ना। हाँ, वो वितरागता है, बराबर है, मगर मैच्योरिटी नहीं है। क्या नहीं है? मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, उनका क्रोध मान माय लोभ डेवलप हुआ है, फिर वितराग रहता है, इसको मैच्योरिटी कहते हैं। वो कहता है मैं हिमालय में रहता हूँ, कोई है नहीं मेरे पास और मैं वितराग रहता हूँ, देन व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू नहीं। ये अनुभव है? ये अनुभव है नहीं, वो तो जब कोई आएगा तब अनुभव होगा। हाँ, परिस्थिति के आधार से, जब परिस्थिति आती है और परिस्थिति में आप अपने आप अपने ज्ञान के पुरुषार्थ से बिना राग द्वेष, राग द्वेष वाले संजोग में राग द्वेष नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि कुदरती रचना है, और राग द्वेष नहीं करते तो वो आपकी मैच्योरिटी कहेंगे। मगर जहाँ राग द्वेष होता नहीं है वो जगह पे जाओगे और राग द्वेष नहीं होगा तो वहां एग्जाम नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है। समझ में आया? मैंने सत्संग में बार बार कहा है कुदरत की एग्जाम में पास होना पड़ेगा, दैट्स योर मैच्योरिटी। फेल होंगे तो कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट बर्थ, कुदरत की हर एग्जाम में पास होना पड़ेगा, ये आपकी मैच्योरिटी है। बाद में क्यों अज्ञान चला जाएगा, मैच्योरिटी का मतलब अज्ञान चला जाएगा, और सब अज्ञान चला जाएगा तो केवल ज्ञान का बीज अपने आप हो जाएगा, और केवल ज्ञान भी अपने आप हो जाएगा। तो मैच्योरिटी इज अ इम्पॉर्टेंट, मैं राग द्वेष नहीं करता हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैच्योरिटी। समझ में आया? प्रतिष्ठित आत्मा, ये भाव मन है ना, यहाँ से 2.5 इंच अंदर होता है, इसको कहते हैं भाव मन। क्या बोलते हैं? भाव मन कहो, लाइव ईगो कहो, मिश्र चेतन कहो, प्रतिष्ठित आत्मा कहो, बाबा कहो, सब एक ही है। वो यहाँ से 2.5 इंच अंदर है जहाँ प्रोसेस होती है। समझ में आया? भाव मन की इसको कहते हैं ना आज्ञा चक्र, यहाँ से 2.5 इंच अंदर। तो फिर आत्मा कहाँ होती है? आत्मा नाभि में होती है, नाभि। हाँ, नाभि समझते हैं ना। हाँ, दैट्स इट। माँ और बच्चे की नाभि जुड़ी हुई होती है, अगर माता की नाभि ज़्यादा काट दिया तो माता मर जाएगी, बच्चे की ज़्यादा काट दिया तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि नाभि में आत्मा होता है। और प्रकाश पूरी बॉडी में है मगर उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है? नाभि में। और प्रकाश पूरी बॉडी को लेता है, तभी तो ये सब लाइव लगता है। क्या लगता है? लाइव, नहीं तो डेड लगेगा। सही।
तो ये सब जानकारी जिज्ञासा है तो जरूरी है, और इसीलिए मैंने कहा सत्संग सुनते रहो, आपके उत्तर आपको मिलते ही रहेंगे। ये सब प्रश्नों का उत्तर मैंने अलग अलग समय पे दिया ही है। जी, अब भाव मन होता है, प्रतिष्ठित आत्मा होती है, दो प्रतिष्ठित आत्मा दोनों यही होती है? नहीं, द्रव्य मन यहाँ है, मैकेनिकल है। अच्छा, वो मैकेनिकल है, यहाँ पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ वाला मन है। और यहाँ मैकेनिकल मन है। अच्छा। स्थूल मन, सूक्ष्म मन बोलते हैं, कारण मन, कार्य मन, अलग अलग नाम शास्त्रों में बताए गए, बात एक ही है। ये मन वचन काया हम साथ में लेके आए हैं, पूरा चार्ज किया हुआ, इस बर्थ में डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो ज्ञान का अनुभव है, चाहे तो अज्ञान का अनुभव है, जो भी, वो भी हम साथ में लाए हैं। तो इस बर्थ में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी वजह से उसमें जो डेवलपमेंट होता है, तो उसका इफेक्ट इसी बर्थ में मिलता है या नेक्स्ट बर्थ में मिलता है? डेवलपमेंट का अनुभव इस बर्थ में होता है और डेवलपमेंट का एप्लीकेशन नेक्स्ट बर्थ में होगा। अनुभव इस बर्थ में होता है, एप्लीकेशन नेक्स्ट बर्थ में होगा। आपको मतलब उसका रिजल्ट तो नेक्स्ट बर्थ में ही आएगा या अनुभव यहाँ हो जाएगा। यूज करने की सत्ता आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी, मगर आप आपका डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकते हो अनुभव से और ऑटोमेटिक काम लगेगा नेक्स्ट बर्थ में, क्योंकि वो आपने एग्जाम पास कर दिया है। बराबर। तो दूसरी बार वो ज्ञान तो अपने आप काम करेगा नेक्स्ट बर्थ में। ऐसे व्यक्ति का डेवलपमेंट, अभी जो ज्ञान काम कर रहा है तो वो तो पिछले बर्थ का है? नहीं, तीन प्रकार है, पिछले बर्थ का ज्ञान, डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान। ये तीन, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों से नया पुरुषार्थ होता है। नया पुरुषार्थ तीनों के सहयोग से ये प्रोसेस होती है ना अंतस्करण में, तो ये तीनों का सहयोग होता है, डेवलपमेंट का भी सहयोग, वर्तमान संजोग का भी सहयोग, और वर्तमान में इस बर्थ में जो ज्ञान मिला है इसका भी सहयोग से वो प्रोसेस होती है। आप समझे? जैसे आपको अभी ज्ञान मिला, अभी काम में नहीं आएगा तो मतलब क्या है? हाँ, वही। मगर वो पुरुषार्थ के रूप में काम में आएगा, एक्शन के रूप में नहीं आएगा। एक्शन के रूप में नहीं आएगा, पुरुषार्थ के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में काम आएगा। जो अभी ज्ञान जो पिछला हमारा चल रहा है, पिछला, तो अभी जैसे आपने बताया जो भी पुरुषार्थ करने के जो रास्ते बताए, तरीके बताए आपने, अलग रहना है, ऐसा करना, तो ये इस बर्थ का ही है या पहले से आया है, वो ओपन हुआ है? क्या पहले से आया? जो ज्ञान पहले से हम लेके आए हैं वो धीरे धीरे ओपन होता है ना, ऑन द स्पॉट तो ओपन नहीं होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ओपनर मिलते हैं वैसे ओपन होता है। तो ये सारा डेवलपमेंट जो ओपन हो रहा है ओपनर के हिसाब से, जब जब ओपनर मिलते हैं तब वो ओपन होता है, तभी ओपन होता है। बराबर। तो ये जो ज्ञान का प्रोसेस है, अब जो नया हम ज्ञान हमको मिला है और वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब अनुभव हमने जो मिल गया और उसका उपयोग तो कर सकते हैं इस बर्थ में। जी जी, जिसने आपने बताया कि भी अलग रहना है तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो वो डेवलपमेंट का रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो आपका बैलेंस बन गया और वो आपकी कैपिटल बन गई, कैपिटल कभी माइनस नहीं जाएगी। करेक्ट। डेवलपमेंट या तो स्टेबल रहता है या तो अपग्रेड होता है, कभी डाउन नहीं जाएगा। कर्म का फल अप्स एंड डाउन हो सकता है, मगर डेवलपमेंट कभी डाउन नहीं जाएगा। तो अभी आपका डेवलपमेंट हाई लेवल का है, मगर डेवलपमेंट करते करते आपने नर गति का बीज डाल दिया है, नर गति में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य भाव में आके केवल ज्ञान प्राप्त करके मुख में जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट करना नहीं है, डेवलपमेंट तो हो चुका है। मगर डेवलपमेंट होते ही वो जो बीज डाल दिया था तो फल तो भुगतना पड़ेगा, ये बात बराबर। तो ये नर गति में गए मतलब डेवलपमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्ट। वो तो आपके कर्मों की भुगतान है, तो उससे डेवलपमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। तो नेक्स्ट बर्थ में भी जैसे जैसे ओपनर मिलेंगे वैसे ओपन होगा या ऑटोमेटिक? नहीं, ओपनर तो चाहिए, ओपनर चाहिए, फिर बाद में खुला होगा, बाद में आप उपयोग कर सकोगे। वो कहते हैं ना कि क्लिक होता है, क्लिक समझते हैं ना, कोई बात करते हैं तो हमको क्लिक हो जाता है,
और कई बातों को एक बार एक ही बात प्रकार की बात हजार बार कहोगे तो भी क्लिक नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं लेके आए ना, उसको समय लगता है। क्या है? समय लगता है। अब ये ना जैसे हमने कुछ सोचा कि हम ये बोलेंगे किसी को, पर वो निकल रही रहा और कुछ और निकल गया, तब लगा कि हाँ अपने हाथ में बोलने का नहीं है, तो इसको अनुभव बोलते हैं कि ये नहीं है अपने हाथ में, ऑटोमेटिक निकल गया। नहीं नहीं, हम जो चाहते हैं वो निकला जबान से तो भी ऑटोमेटिक है, और चाहते हैं वो नहीं होता है तो भी ऑटोमेटिक है। जैसे मैं परीक्षा में पास होना चाहता हूँ और पास हो गया तो भी रिजल्ट है, और फेल हुआ तो भी रिजल्ट है। रिजल्ट तो दोनों में है, मगर ऑटोमेटिक का मतलब होता है आज हमारी पास और फेल होने में फ्रीडम नहीं है, मगर रिजल्ट क्या है वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, मगर रिजल्ट तो वही आएगा जो निर्मित है, मगर वो हमको मालूम नहीं है। इसलिए आप बोलेंगे तो भी उदय कर्म है, नहीं बोलेंगे तो भी उदय कर्म है। जो बोलना चाहते हैं वो बोले है तो भी उदय कर्म है, जो बोलना चाहते हैं उसे उल्टा निकल जाता है तो भी उदय कर्म है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं है वो, नहीं है वो, अगर अंदर समझ में आ गया कि अपने हाथ में नहीं है। नहीं, मगर आप जो चाहते हैं वो होता है तो फिर क्या कहोगे? तो इसीलिए फिर सिद्धांत नहीं रहेगा। सिद्धांत में दोनों बात समझ लो, आप आपने चाहा वो हुआ तो भी उदय कर्म है, सिद्धांत दोनों में एक ही रहेगा। अगर पुण्य होता है तो मैं जो कहूंगा वो ऐसा होता है, अगर पाप होता है तो मैं जो कहूंगा उससे उल्टा होता है, मगर दोनों क्या है? उदय कर्म है। तो सिद्धांत समझो। क्या समझो? सिद्धांत समझोगे तो दोनों प्रकार में आपको उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन रहेगा। और इसीलिए मैं हर बात में कहता हूँ कि आप सिद्धांत को जानो, सिद्धांत को जानो, बार बार मैं यही कहता हूँ ना। ये जो उसने क्वेश्चन किया है वो उसके आगे वो समझ में आ गया कि ये उदय कर्म है, तो वो अनुभव है। उदय कर्म में आ गया, उदय कर्म है वो समझ में आ गया, इसीलिए आप किसी के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करोगे। नहीं करूँगा, हाँ वही बात है। तो राग द्वेष नहीं होगा, जब आपने कहा मैंने किया आपने किया वो दृष्टि होगी तो राग द्वेष होगा ही। करेक्ट। या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, मगर उदय कर्म का मतलब किसी का कंट्रोल नहीं, मेरे ही कर्मों का ये फल है, तो फल में तो फिर हम कंप्लेन नहीं करेंगे ना। अनुभव किसको बोलते फिर? नहीं, यही ये उदय कर्म है, वो मेरे लक्ष्मी आया उस समय, वही तो जागृति है, और जागृति का जब उपयोग हुआ तभी तो अनुभव हुआ कि राग द्वेष नहीं हुआ, उसी को कहते समभाव। क्या बोलते हैं? समभाव। तो समभाव कोई पुरुषार्थ नहीं है, समभाव ज्ञान का उपयोग, वही रिजल्ट क्या है? ज्ञान का उपयोग, इसका रिजल्ट है वो समभाव है। तो समभाव कोई क्रिया नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, उसका रिजल्ट समभाव है। अगर समभाव नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन सही नहीं नहीं है।